हेलो फ्रेंड्स, कल्चर वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D। तो आज हम लोग इसको फिर से बस्ट या कंफर्म करने वाले हैं। तो जिसने भी जाके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके छोटा सा जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। वैन आज मेरे साथ गेम में एक ग्लिच हुआ है, पता नहीं वो गेम का न्यू अपडेट आया है क्या हुआ है मुझे नहीं पता। वैन मैं आपको वो चीज दिखाता हूँ। वेलकम बैक इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D। तो वैन आप लोग देख सकते हो कि इस टाइम मैं अपनी सिटी पे हूँ, तो आपको कुछ ना कुछ तो अलग दिख रहा होगा। तो भाई साहब, जैसे ही मैं सिटी के अंदर आया तो वैन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आसमान इधर साइड ब्लैक है, इधर साइड वाइट है, इधर साइड ब्लू है। भाई मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है ये सिटी में अपनी क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, या अब न्यू अपडेट आ रहा है या ग्लिच हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता। ये देखो ऊपर सन है और नीचे इधर साइड सिटी को पूरा वाइट और ब्लू है, और इधर साइड पूरा ब्लैक है। पता नहीं क्या चीज़ हो रही है, मुझे घंटा पता नहीं चल रहा। तो वैन आप लोग कमेंट्स करके बताना आपके साथ ये चीज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वैन हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मिथ्स को। फर्स्ट मिथ है कि हाउस के पास बहुत सारी बाइक्स स्पॉन करो एंड नाइट मोड करो, उसके बाद साइकिल स्पॉन करो, उसके बाद साइकिल को आरजीबी करो, उसके बाद डे मोड करो, फिर देखो साइकिल। यहाँ पे मिथ खत्म होता है। वैन क्या होता है इसको, मैं हाउस के पास आ गया हूँ तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बहुत सारी बाइक्स को स्पॉन करता हूँ। क्या यहीं पे करनी है? हमारी एक बाइक होगी, हम लोग एक बाइक को बार बार स्पॉन कर ले तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत सारी बाइक्स को स्पॉन करना है। तो वैन चलो यार सब बहुत सारी को ही करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो वैन मैंने सारी बहुत सारी बाइक्स को इकट्ठा करा हुआ है। तो वैन भाई क्या होगा मुझे नहीं पता। वैन भाई ने कहा था कि अब इस साइकिल को स्पॉन करना है, तो चलो साइकिल को स्पॉन करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो मैंने साइकिल को स्पॉन कर लिया है। तो वैन इसको आरजीबी करना है, भाई ने कहा है। रुको, आरजीबी होती है ना ये? अरे वाह, साइकिल भी आरजीबी होती है। अरे यार सॉरी यार, मैंने नाइट मोड नहीं किया। रुको रुको, नाइट मोड सबसे पहले मैं कर लेता हूँ। ऑल राइट गाइस, अरे भाई ये गलत हो गया यार। ओ यार, मैंने वो भी स्पॉन करी थी ना यार, मैंने घोस्ट राइडर स्पॉन करी थी, आग लग गई बाइक्स में, बच गई हैं यार। चलो चलो ठीक है, बच गई हैं। साइकिल के अंदर बैठना है ना, ठीक है। ऑल राइट गाइस, अब मैं बाहर निकलता हूँ। अब मुझे क्या करना है? रुको रुको रुको, अब मुझे डे करना है, ठीक है। ऑल राइट गाइस, डे हो गया है। अब मुझे क्या करना है? मुझे साइकिल पे बैठना है। ओके, मैं ये साइकिल पे बैठा। रुको रुको, कुछ भी नहीं हो रहा यार। रुको रुको, एक बार ठोक के देखो क्या। नो भाई साहब, नेक्स्ट लेवल, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये वाला मिथ मेरे लिए बस्टेड है, क्योंकि ओ रुक 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 भाई, ये देखो ये देखो भाई, ये देखो। ओ ओ ओ भाई, यहाँ पे मैंने बाइक के साथ इसको रोक के रखा हुआ था, और पैडल कितनी जोर से मार रहा था ये, अभी देखना। देखो ये देखो ये देखो ये देखो, पैडल मार रहा भाई, कितनी स्पीड से भाई पैडल मार रहा है भाई। ये देखो इसका पैर, देखो कितनी स्पीड से चल रहा है पीछे की ओर। ओ ये देखो, ओ ये देखो भाई कितनी स्पीड से पैडल मार रहा है, पैडल मार रहा है, पैडल मारने तो मारने तो मारने तो मारने तो मारने तो मारने तो मारने तो। ये देखो भाई स्पीड तो बनती है। तो वैन भाई साहब ये वाला मिथ बस्टेड है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आया ये क्या हो रहा था और क्या होना था। वैन ये पैडल, नया पैडल वाला मिथ मैंने अलग ही निकाल दिया है। तो ये वाला मिथ बस्टेड है, निकलते अपने नेक्स्ट मिथ पे। अपना नेक्स्ट मिथ है कि अगर हम हेलीकॉप्टर और साइकिल में बैठो, फिर देखो मैजिक। हेलीकॉप्टर और साइकिल, ठीक है हमारे पास साइकिल है ना। हाँ ठीक है, हमारे पास साइकिल तो है, अब हेलीकॉप्टर का इंतजाम करते हैं जल्दी से। ऑल राइट गाइस, मेरे पास हेलीकॉप्टर आ गया है। वैन जल्दी से साइकिल के ऊपर बैठता हूँ, पीछे करता हूँ। ऑल राइट गाइस, दोनों के ऑप्शन सेम आ रहे हैं, जल्दी से मैं बैठता हूँ। ओ ओ ओ, अभी तो मैं साइकिल के ऊपर बैठा था। ओ भाई सब, ये देखो मैं अंदर कैसे बैठा हुआ भाई, अभी मैंने साइकिल को भी चला रहा हूँ, और ये देखो प्लेन के अंदर मैं कैसे बैठा हुआ, वो देखो मेरे पैर देखो पीछे को बैंड हुए पड़े हैं हमारा। ये देखो अभी अभी दिख रही है ना आपको। ओ भाई सब, ये देखो पैर नीचे चले गए, अब ऊपर वो साइकिल के साथ अभी भी अटैच है पैर, और ये ऊपर आसमान तो अलग ही नशा कर रहा है अपना, आसमान तो अलग ही नशे में है। इधर ब्लैक हुआ पड़ा है, इधर क्या हो रहा मुझे खुद को नहीं पता चल रहा, बट हाँ हमारे मिथ्स कंप्लीट हो रहे हैं, और क्या चाहिए। वैन आप तो देख सकते हो बंदा क्या लग रहा है हमारा। आप जल्दी से नीचे अगर मैं उतरूँ तो ओ ओ ओ ओ ओ, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, मैं हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरा था, मैं साइकिल से नीचे उतरा था। आप लोग समझ रहे हो कि हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा था, तो यहाँ पे आके इसने नीचे गिराया मुझे। वैन ये वाला मिथ बिल्कुल कन्फर्म है। निकलते अपने नेक्स्ट मिथ पे। अपना नेक्स्ट मिथ है कि विलेज के सामने एक रेड कलर का शेप वाला स्टैचू बना होता है,
विलेज के सामने। ओके तो भाई साहब नाइट मोड, बिना नाइट मोड करने के तब भी नाइट मोड चल रहा है, आप लोग खुद देख सकते हो मैंने नाइट मोड नहीं किया है। ये सुबह हो रही है और ये देखो नाइट मोड चल रहा है, पता नहीं ये क्या हो रहा है, बट हाँ मुझे ये बढ़िया लग रहा है, मुझे ये बहुत बढ़िया लग रहा है। भाई साहब विलेज कहाँ पे है यार, वाओ क्रेजी यार, विलेज 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 को ढूंढने में अब लगेगा हमें टाइम। तो अरे आगे आगे विलेज के सामने आ गया, तो यहाँ पे एक सामने रेड दिख रहा रेड कलर का स्टैचू दिख रहा है, देखते हैं वो है क्या। ऑल राइट गाइस, आप लोग देख सकते हो ये स्टैचू बना हुआ है, मुझे लगता है ये किसी का लोगो है या फिर ये कंपनी सामने है जो उसी का लोगो होगा, ये कंपनी का लोगो होगा, यही है मेरे हिसाब से, देख सकते हो ये स्टैचू, वैन मुझे तो यही लग रहा है। तो वैन ये वाला मिथ बिल्कुल कन्फर्म है, निकलते अपने नेक्स्ट मिथ पे। तो अपना नेक्स्ट मिथ है कि अगर हम मून ग्रेविटी को लगाकर केटीएम बाइक को कोई सी भी बिल्डिंग में विली मार के चढ़ाएंगे, चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो स्पाइडरमैन जैसे ही वाल पे चढ़ेगा। ठीक है भाई, ये वाला मिथ थोड़ा हमारे लेवल का है, लेवल इज सिद्धू। तो भाई साहब ये हमारे लेवल का है, ग्रेविटी का चीट कोड है 7112। जैसे आप लोग ये मून ग्रेविटी लगा लोगे ना, देखो लग गई ना, अब आपको केटीएम मंगानी है। ऑल राइट गाइस, केटीएम हमारे सामने आ गई है 1210 से, 1210 डाल लेना केटीएम आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोगों ने मून ग्रेविटी लगाई हुई है, अब मुझे वॉल पे चढ़ाना है विली मार के। जब मून ग्रेविटी लगाते हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है चलाने में, चलो अब हम लोग विली मारते हैं सबसे पहले। ओ ओ ओ ओ चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो चल रही है बाइक, चल रही है हमारी अच्छे से, अब मुझे चढ़ाना है इसको। ओ ओ ये देखो भाई स्पाइडरमैन की तरह चढ़ रही है बाइक हमारी, कितनी ऊपर, अगर मैं इसको वॉल पे चढ़ाऊं तो ओ चढ़ गई। ओ वाह 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 वाह, ऑल आ गई, अब देखते हैं वॉल पे कैसे चढ़ती है बाइक हमारी। ओ ये देखो भाई स्पाइडरमैन की तरह हमारी बाइक वॉल पे चढ़ रही है, बिल्कुल क्रेजी है देखो। ओ वाओ दिस इज अ बिगेस्ट लेवल ऑफ ग्लिच, ये हमारे लेवल का मिथ है भाई। मैं ये देखो मैं उसके ऊपर भी जा रहा हूँ जहाँ पे ये वाला सीन हो रहा है, यहाँ पे जब ब्लैक ब्लू व्हाइट का कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, मैं उसके ऊपर भी जाने की कोशिश करूंगा, अब तो जरूर करूंगा। मैं उसको धीरे धीरे सामने आ रहा हूँ, मुझे ना लग रही है जा पाऊंगा। वो भाई साहब बहुत स्पीड से हमारी बाइक ऊपर जा रही है, क्या हम लोग उसके ऊपर जा सकते हैं? जा सकते हैं यार, चली जा। जा सकते हैं भाई, मैं उसके बिल्कुल क्लोज में आ गया हूँ, मतलब उसके सामने आ गया हूँ, लेवल 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 आ गया हमारा भाई। ऑल राइट गाइज, वैन आप लोग देख सकते हो मैं सिटी पे जा रहा हूँ धीरे, बट इसमें टाइम बहुत लगने वाला है, करोड़ों किलोमीटर। ओ भाई सिटी दिख रही है भाई, बहुत जोरों से सिटी दिख रही है। अब मैं बहुत बुरा नीचे गिरने वाला हूँ, मुझे इतना तो पता है। ए, ये क्या है, व्हाट इज दिस यार, यार आज कुछ अलग ही हो रहा है मेरे साथ भाई। सिटी के अंदर घुसा तो ये चीज दिख रही है, अब फाइनली सिटी दिखनी स्टार्ट हो गई है मुझे। ऑल राइट गाइज, मैं बहुत धीरे धीरे ए पार्टी साइड शॉट बच गया। ठीक है, तो वैन ये वाला मिथ बिल्कुल कन्फर्म है भाई साहब, क्या स्पाइडर मैन ही बन गया था पूरा मैं। वैन आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, हम लोग मिथ्स को बस्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो वैन हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।